हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी वी व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है। पकौड़े बनाएंगे नाश्ते में, और शाम का टाइम है तो आज पकौड़े खाने का मन कर रहा था, तो चाय पकौड़े बनाएंगे, उसके बाद तहरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली, तहरी बनाने की भी और पकौड़े बनाने की भी। तो मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी, लौकी, आलू, मैंने सारी चीज़ें कट करके रख लिया है। और यहाँ पे मैंने गैस पे चाय चढ़ा दिया है। और ये है गेहूँ का आटा, और इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च डाल के और अच्छे से फेंट लिया। बिट्टू के लिए अलग निकाल लिया है, बिना मिर्ची वाला। और ये देखिए, चाय हमारी लगभग बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा था, गर्म हो गया है, तो हमने इसमें पकौड़े डाल दिए। और आटा के पकौड़े हमारे यहाँ सब लोग खाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, और जो बेसन वाला होता है तो वो बहुत ही कम खाते हैं, तो इसलिए मैं अक्सर आटे का ही पकौड़े बनाती हूँ। और तो एक बार मैंने डाल दिया है और अभी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बिट्टू का बना के और फिर निकाल लिया उसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी देर से आगे पीछे लगी हुई थी और भूखी हुई हो गई है। तो ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बने पकौड़े, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, एकदम स्पॉन्जी से हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैंने बना के निकाले, बिट्टू को दे देंगे खाने के लिए। और यहाँ पे पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो हम इसको निकाल लिया है। और चाय पकौड़े सबको दे देंगे खाने के लिए। और तो हम तहरी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में गरम हो गया था, तो मैंने जीरा डाल के अच्छे से भून लिया, फिर मैंने प्याज को भून लिया, प्याज, हरी मिर्च को। और अब हम इसमें डालें मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, अलग से कोई भी मसाला नहीं। और हम इसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, और हम इसके बाद डालेंगे लौकी, बहुत ही थोड़ा सा मैंने लौकी कट किया है, और ऊपर से मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू कट किया है। तो हम इन सभी सब्जियों को डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने डाला पत्ता गोभी, तो इसको हम चलाते हुए एक मिनट अच्छे से भून लेंगे। और आपके पास फूल गोभी या फिर और भी जितनी सारी सब्जियां हैं, आप इसमें डाल के बना सकते हो। तो मैंने सब्जियों को अच्छे से भून लिया। फिर हम इसमें डालेंगे 3 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना आप खाते हो। और सब्जी है, चावल पड़ेगा, तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने चावल धो के और भून के डाल दिया था, तो और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया, जितना पानी चावल लेगा उतना ही मैंने डाला है। और अब इसमें हम आधा ढक के पकाएंगे, और तब तक हम चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नींबू वाली चटनी बनाई है, और ये हैं पकौड़े बढ़िया गर्मा गर्म। और हस्बैंड हमारे बहुत देर में आए थे, तो इसीलिए हमने सबसे बाद में बनाया है अपने और उनके लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और उन्हें ये ज़्यादा प्याज वाली पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे चटनी के साथ पकौड़े, चाय और इन्जॉय करेंगे हम सब लोग चाय। तो चाय पी लेंगे उसके बाद में। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए, तहरी हमारी बनके तैयार हो गई, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, एकदम खिला खिला सा बनके तैयार हुआ है। और हम इसको पहले खोल के चला दिए हैं, उसके बाद में सबसे लास्ट में हम वो सीटी लगा के फिर हमने मीडियम फ्लेम पर रख दिया था पकने के लिए। तो अब हम तो प्लेट लगा लेंगे, और तहरी के साथ में प्याज, हरी मिर्च और आम का अचार है, और आम का अचार तहरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में मूली हो तो मज़ा ही आ जाता है, लेकिन वो इस टाइम पे नहीं है। तो ये देखिए, बढ़िया खिला खिला से तहरी बनके तैयार हो गई है, तो एंजॉय करेंगे तहरी अचार, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये था हमारा नाइट डिनर। तो कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी तहरी की रेसिपी। और यहाँ पे बिट्टू आई है बिल्लू भगाने बाहर, ये देखिए बिल्लू का 2-3 बच्चा भी आ गया है साथ में, तो यहीं पे कहीं घुस गया है चारपाई या तख्त के नीचे। तो मेरी नज़र पड़ी तख्त के नीचे, ये देखिए वहाँ से देख रही है, इसकी बड़ी बड़ी सी आँखें हैं, और लाइट पड़ी तो कैसे चमक रही है इसकी आँखें,
और ये बाबू सारा पेपर नीचे फाड़ के फेंके हैं कॉपी का है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।